नमस्ते, मेरा नाम श्री दीपन कुमार पंडित है। मेरे मम्मी का नाम रेखा पंडित है। मेरी मम्मी को पहले मतलब प्रॉब्लम यह था कि कमर में दर्द का प्रॉब्लम था, तो हम लोगों को पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो मेरे एक भैया है, उनसे मैंने डिस्कस किया तो भैया बोले तुम एक बार दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे एक बार जाके तुम दिखा लो। तो हम लोग पहले आए, आने के बाद हम लोगों को लगा कि ये शायद ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोगों ने राजीव वर्मा सर को दिखाया, तो सर देखने के बाद बोले कि उनको तो ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, उनको शायद कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम है। तो सर हमको भिजवा दिए सौरभ वर्मा के पास। सौरभ वर्मा सर के पास गए तो उन्होंने बोले तुम एक MRI करवा लो, MRI में जो रिपोर्ट आएगा उसी से पता चलेगा उनको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो हम लोगों ने MRI करवा लिया, तो MRI में आया कि उनका जो डिस्क है पीछे का वो थोड़ा मतलब हट गया है जगह से, अपनी जगह से, और वो जो जगह है वहां पे थोड़ा ट्यूमर भी बन गया है। तो हम लोग को थोड़ा दर्द हो गया, हम लोग डरने लगे कि क्या हो गया, फट से ऐसा क्या हो गया। तो सर ने बाद में हम लोग को बुलाया, बोले तुम आराम से बैठो, मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बोले देखो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो जहाँ पे रहना चाहिए वहां पे है नहीं, वहां पे नहीं है, और वहां पे थोड़ा क्या हो गया ट्यूमर जैसा बन गया है। तो ये अभी तुम एक काम करो, उनका एक सर्जरी करवा लो, सर्जरी करने से हम लोग ट्यूमर भी हटा देंगे और जो हड्डी जो मिसमैच हो गई है वो हम जगह पे बिठा देंगे। तो उन्होंने जैसे हमको समझाया ना, हम 50% हमारा टेंशन ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि उनका जो फ्रेंकली बिहेवियर है, वो जैसे बोलते हैं जैसे हमको समझाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगा हमको। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि करवाए या ना करवाए, लेकिन उनसे बात करने के बाद हम लोगों को लगा नहीं करवा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे बात करके तो हम लोग का टेंशन 50% ऐसे ही गायब हो गया। तो मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला ठीक है डॉक्टर जैसा बोलते हैं करवा दो, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि करने से हमको अच्छा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा पेन से, तो करवा लेना चाहिए। तो सर को बोला ठीक है सर करवा दीजिए। तो उनका सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद जो पेन था उनका मतलब कमर से लेके वो लेफ्ट लेग पे वो इतना पेन था कि वो चल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, दर्द इतना ज्यादा था कि वो रोने लगती थी। तो सर्जरी के बाद हमने देखा कि उनका पेन थोड़ा घट गया है, क्योंकि उनका बिहेवियर से पता चलता है कि मतलब उनका जो पेन था वो घट रहा है या उनको रिलीफ मिला है। तो बाद में तो धीरे धीरे वो पेन गायब हो गया, एक दिन था सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत पेन, लेकिन अभी वो पेन नहीं है, और वो खुद पहले तो चल नहीं पा रही थी, अभी चल भी पा रही है, सीढ़ी से ऊपर भी जा रही है। तो देखने से ही पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पहले जो हम उनको लेके आए थे और अभी जो उनको लेके जा रहे हैं उसमें डिफरेंस कितना है। तो थैंक यू मणिपाल हॉस्पिटल और थैंक यू डॉक्टर सौरभ वर्मा कि आपने हमको इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, और खास करके यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, अगर सब मिलके एकजुट होकर काम करे तो अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर भी अच्छे थे, यहाँ की नर्स भी अच्छी है, और हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, और मैं हमारे यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ऐसा कुछ सफर करते हैं तो मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि तुम वहां पे जाओ, डॉक्टर से बात करके तो तुम्हारा टेंशन गायब हो ही जाएगा, और ट्रीटमेंट करके तुम्हारा पूरा टेंशन गायब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मणिपाल हॉस्पिटल।